छावनी परिषद के लोग शुक्रवार को परेड मंदिर पर एकत्रित होकर रैली के रूप में छावनी कार्यालय पहुंचे। रहवासियों ने पार्षद वीरेंद्र पटेल के नेतृत्व में वोटर लिस्ट से काटे गए नामों को दोबारा जोड़ने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को हितग्राहियों को उपलब्ध कराने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। करीब 1000 रहवासी कैंट ऑफिस पहुंचे। सीईओ अभिमन्यु सिंह से चर्चा और उनके आश्वासन के बाद रहवासियों ने अपने दस्तावेज छावनी ऑफिस में जमा कराए। इस दौरान सीईओ ने रहवासियों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया। काजी बाबा ना शौचालय ना कोई भी राशि बड़ी राशि हमें आज दिनांक तक नहीं दी गई। अगर हम किसान हैं तो हमें किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलता, चाहे कितनी भी कैसी भी। यही सब मांग के लिए हम कैंट बोर्ड परिषद में आप सबके साथ चल रहे हैं। मैं वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ साथ यहाँ के जो नागरिक हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। तो लगभग ये 2017 में काट दिए गए थे। कैंटोनमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रत्येक वर्ष वोटर लिस्ट को बनाया जाता है और इसका प्रकाशन होने वाला है। उससे पहले हम ये दावा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम 4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे नाम जोड़े जाएँ, और ये सारे लोग एकत्रित होकर वोटर लिस्ट में नाम ना होने से हम जो राज्य एवं केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं तो हमारे वार्डवासियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। गरीब आदमों को, अब गरीब भी हैं, मैं दो दो एकड़ एक जमीन है, वही नहीं बना पा रहे हैं बिल्कुल, न कोई मदद मिल रही है सरकार से, कुछ नहीं मिल रही। इतनी योजनाएँ चल रही सरकार की, टीवी में सब बताते हैं कि ये योजना है, ये है गरीबों के लान मन, हम लोगों में तो कोई नहीं मिल रही कैंट में। हमें कोई ऐसा नहीं है लाभ की आप तो होटल लिस्ट से नाम काट देंगे तो हमें कुछ लाभ जी तो सुप्रीम कोर्ट की है। इसमें विसंगति ये है जी कि आपकी जो लीज है वो ना तो रिन्यू हुई है जी, और मिनिस्ट्री ने ये भी कह रखा है कि इस पर स्टे है, वो क्लियर नहीं है कि क्या है जी। तो या तो उसको मिनिस्ट्री ख़त्म करें तो हमें ये पता चल जाए कि आपको वहाँ नहीं रहेगा जी, या मिनिस्ट्री उसे एक्सटेंड करें जी। तो इसलिए ये अभी आपको इंक्रोचर माना गया कॉलेज, ऐसा नहीं है, तो ये कारण है आपका इसमें से निकाला गया है। इसके लिए माननीय सांसद जी ने भी रक्षा मंत्री को भी लिखा है कि ये जो हमारी वोटर लिस्ट बनती है जैसे विधानसभा की बनती है उसी प्रकार से बने कि इंक्रोचर है या नहीं है वो नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री के पास आपका रिप्रेजेंटेशन गया हुआ है, सांसद जी ने भी ये मुद्दा उठाया। सर, तो हो सकता है इसमें अमेंडमेंट हो जाए, जो हमारा नियम है उसमें अमेंडमेंट हो जाए तो आप लोगों के नाम आ जाए, पर ये कब तक होगा इसका मैं नहीं बता सकता।